गुड मॉर्निंग अर्जुन। देखो, कल आपने जो है आपके प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। हमने आपको पिछले कालांश में बताया था कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसमें जो आपके शासक के 3 अंग है, और दूसरा अंग हमारा जो कार्यपालिका था। कार्यपालिका में हमने आपको पिछले जो कालांश थे उसमें राष्ट्रपति के बारे में उसकी नियुक्ति शक्तियां उसके बारे में बता दिया, और आपको ये भी बताया था कि हमारी कार्यपालिका में प्रमुख रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है होती है। वैसे हमारे संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, और संसदीय शासन व्यवस्था के कारण राष्ट्रपति की संपूर्ण शक्तियों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग जो है आपके मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि हमारे जो कार्यपालिका है वो 2 प्रकार की है, एक तो वास्तविक कार्यपालिका और एक नाममात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका मैंने आपको बताया था मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, और नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, जिसके नाम से कार्यपालिका संबंधी संपूर्ण शक्तियां आपके संविधान में दी गई है। तो देखो, आज का हमारा ध्यान बिंदु है मंत्रिपरिषद। आज हम मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी करेंगे, इसके कार्य और शक्तियां, इसका गठन कैसे होता है। तो देखो, हमारा जो संविधान है उसी संविधान के अनुच्छेद 74 में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस आधार पर राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उन कार्यों में सहायता और परामर्श देने का कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो देखो, सैद्धांतिक यानी संविधान के आधार पर देखा जाए तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। हमारे संविधान में जो भी कार्यपालिका की शक्तियां दी गई है वो सारी कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है कि ये कार्य राष्ट्रपति करेगा। लेकिन साथ में ये भी कार्य है कि राष्ट्रपति इन कार्यों को मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श से करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श से करेगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद ही जो है उसको परामर्श और सहायता देगी, उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। इस प्रकार यह हो गया कि संवैधानिक आधार पर हमारा जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन उनकी शक्तियों का उपयोग वो व्यवहार में स्वयं नहीं करता है। दूसरी बात ये भी है कि हमारे संविधान में जो है संस्थात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, और संस्थात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ होता है कि शासन की संपूर्ण शक्तियां संसद में निहित होती है। शासन जो है इसके प्रति जो है संसद उत्तरदायी होती है, संसद जो है जवाबदेह होती है। इसी कारण संस्थात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति जो है संविधान में एक संवैधानिक शासक मात्र है। संविधान में एक राष्ट्राध्यक्ष है, एक शासक मात्र है, वास्तविक शासक नहीं है। बल्कि वास्तविक शासक कौन है? वास्तविक शासक जो है राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने वाली जो समस्त शक्तियां हैं जिन पर परामर्श देना संविधान में आवश्यक बताया गया है, वो परामर्श देने वाली शक्ति की वास्तविक शासक जो है मंत्रिपरिषद होगी। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां दी गई है कार्यपालिका संबंधी, उन सभी शक्तियों को व्यवहार में जो आपके मंत्रिपरिषद द्वारा ही लागू किया जाता है। मंत्रिपरिषद ही उन शक्तियों का उपयोग करती है। तो नाममात्र का हमारा जो शासन कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति है, वो नाममात्र की जो है कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका जो आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री। अब यहां पर बात आती है कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। तो हमारे मंत्रिपरिषद का जो निर्माण है या गठन है उसकी प्रक्रिया को भी हमारे संविधान में जो आपके स्पष्ट किया गया है। हमारे मंत्रिपरिषद की जो गठन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद, इस राष्ट्रीय या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन है की प्रक्रिया में पहला चरण आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री जो आपके इसी के परामर्श से सारे कार्य राष्ट्रपति करता है, इसलिए प्रधानमंत्री हमारे मंत्रिपरिषद की गठन है की प्रक्रिया का कर्तव्य बिंदु है या कर्तव्य चरण है। पहला कदम है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो आपके संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार होती है, और इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति
भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह और परामर्श से ही करेगा। इस प्रकार जो संविधान है संविधान के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद में मंत्रिमंडल के गठन का दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण है आपके जो है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, क्योंकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श से करता है, इसलिए अन्य मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो देखो आपके संविधान को व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की का चयन करता है और चयन की जो सूची है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की राय के अनुसार ही क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो हमारे संविधान में जो स्थिति है, संविधान में जो प्रावधान है वो प्रावधान क्या है कि प्रधानमंत्री की राय के अनुसार ही राष्ट्रपति क्या करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। लेकिन व्यवहार में देखें तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की राय मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, अर्थात प्रधानमंत्री जिन मंत्रियों की सूची देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उनको ही मंत्री बनाने के लिए बाध्य होता है। वो उनमें से किसी मंत्री को जो है मंत्री बनाने के लिए मना नहीं कर सकता, अर्थात किसी नाम किसी व्यक्ति के नाम को या किसी व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री को ये नहीं कह सकता कि इसको मंत्री नहीं बनाया जाएगा या नहीं बनाऊंगा। फिर आपके तो प्रधानमंत्री ही जो क्या करता है मंत्रियों की सूची तैयार करता है, मंत्रियों का चयन करता है और वो ही जो है राष्ट्रपति को देता है, उसी के अनुसार राष्ट्रपति जो है मंत्री की नियुक्ति करता है। फिर तीसरी बात आती है मंत्रियों के कार्य विभाजन। तो प्रधानमंत्री का जो आपके मंत्रियों के चयन के बाद दूसरा जो काम होता है महत्वपूर्ण वो होता है मंत्रियों में कार्यों का विभाजन या विभागों का बंटवारा करना। तो देखो हमारी संवैधानिक स्थिति देखी जाए तो संवैधानिक स्थिति के आधार पर हमारा जो प्रधानमंत्री होता है प्रधानमंत्री मंत्रियों में कार्य विभाजन के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। लेकिन ये कार्य बहुत कठिन है क्योंकि प्रधानमंत्री को मंत्रियों में कार्यों का विभाजन करते समय या विभागों का बंटवारा करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जो आपके मंत्री उस विभाग संबंधित विभाग का जो आपके अनुभव रखता है कि नहीं है, उसका अनुभव कितना है, उसमें उसे विभाग को संचालित करने की योग्यता या क्षमता है या नहीं है, है ना। साथ में ही जो है वो सभी वर्गों को सभी क्षेत्रों को जो है आपके मंत्रिमंडल में सम्मिलित करना चाहता है, कार्य देना चाहता है, इसलिए उनको भी ध्यान में उसे रखना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन जो है आपके मंत्रियों में कार्यों का विभाजन करने के बाद में कोई भी मंत्री जो है आपके प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करता, वो प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विभागों को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। फिर आपके अगला कार्य आता है मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, कि मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखो आपके मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए पहली बात तो यह है कि वह सदस्य जो मंत्रिमंडल का सदस्य बना जाता है वह व्यक्ति संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद में वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। अगर मान लें अगर जो है व्यवस्था ये भी है कि अगर वह व्यक्ति मंत्री पद ग्रहण करते समय संसद का सदस्य नहीं है तो आवश्यक है उसके लिए कि जो है मंत्री बनने के 6 माह के अंदर अंदर मंत्री पद ग्रहण करने के 6 माह के अंदर अंदर वह संसद के किसी सदन का सदस्य बन जाए या किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले। अगर कोई व्यक्ति जो है मंत्री पद ग्रहण करते समय संसद का सदस्य नहीं है और 6 माह के अंदर जो है वह संसद की सदस्यता ग्रहण करने में सफल भी नहीं होता है, ऐसे में उसे अपना पद छोड़ना होता है। तो यह है उसकी योग्यता, पहली वह संसद का सदस्य होना चाहिए और अगर संसद का सदस्य नहीं है तो उसे जो है आपके 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से संसद की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक होती है। फिर आपके मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण करना, तो देखो जो भी मंत्री पद पर नियुक्त होता है व्यक्ति वो सीधे ही जो है पद ग्रहण नहीं करता है, पद ग्रहण करने से पहले चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई अन्य मंत्री हो मंत्री परिषद का, उन्हें राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष
जो है पद और गोपनीयता की दो शब्द लेनी पड़ती है। कितनी शब्द लेनी पड़ती है? दो शब्द। पद यानी कि मैं इस पद पर जो भी मंत्री का उसे पद दिया गया है, जो भी जैसे आपके विदेश मंत्री का है या गृह मंत्री का है ना, आपके रक्षा मंत्री का है, तो इस पद पर रहते हुए मैं संविधान का पालन करूंगा। दूसरा गोपनीयता कि मंत्रिमंडल की बैठकों में या मंत्री परिषद की बैठकों में जो भी निर्णय ले जाएंगे उनको मैं गोपनीय रखूंगा। देखो आपके बात को मंत्री परिषद की बैठकों में जो भी निर्णय ले जाते हैं शासन संचालन संबंधी, उन निर्णयों को सभी मंत्री गोपनीय रखते हैं, गुप्त रखते हैं उनको। वो उनको जो है जब तक उस कार्य को, जिस कार्य के बारे में निर्णय लिया गया है उस कार्य को जब तक लागू नहीं कर दें या जब तक उसको उस प्रस्ताव को सदन में नहीं रखा जा सके, तब तक है जो है आपके उसके बारे में बाहर आकर के ये मंत्री चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, किसी कार्य के बारे में पहले कह सकते हैं कि अमुक जो भी आपके जैसे कोई भी मंत्री है किसी विभाग का, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, ये अपने विभाग से संबंधित जो बात होती है उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं या ऐसा निर्णय ले रहे हैं, लेकिन जो निर्णय लिया जाता है उसके बारे में नहीं बताते कि ये निर्णय हमने ले लिया है या हमें इस संबंधी या हमारे विभाग के संबंध में ऐसा कानून बनाने के लिए ये प्रस्ताव रख रहे हैं या रखने वाले हैं, ऐसा पहले नहीं करते। जब प्रस्ताव रखा जाता है तभी उसका पता चलता है। तो ऐसी ही गोपनीयता रखी जाती है ताकि शासन को एक इकाई के रूप में सुदृढ़ता से संचालित किया जा सके। इसके बाद में आता है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। तो देखो आपके मंत्रिपरिषद का कार्यकाल हमारे संविधान में कोई निर्धारित नहीं किया गया है, निश्चित नहीं किया गया है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, 4 वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा, कितना होगा। तो इस प्रकार इसका कार्यकाल आपके निश्चित नहीं है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसका कार्यकाल आपके संसद के विश्वास पर, संसद के विश्वास पर निर्भर करता है और संसद में प्रमुख रूप से लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। जब तक जो आपके मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना विश्वास मत बनाए रखती है तब तक वो कार्य करती रहती है। अगर सामान्य तौर पर देखें तो आपके मंत्रिपरिषद का कार्य भी जो आपके लोकसभा के कार्यकाल के बराबर है। अगर मंत्रिपरिषद अपने गठन के बाद में अपना विश्वास नहीं खोती है और विश्वास संसद में बनाए रख सकती है अर्थात लोकसभा सदन में बनाए रखती है, तो इसका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक यानी लोकसभा तक जब तक लोकसभा बनी रहती है तब तक 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सामान्य रूप में 5 वर्ष तक होती है। अगर हमारे आपातकाल लागू हो जाता है तो ऐसे समय में इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, तो आपके मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी बढ़ जाएगा। और सामान्य तौर पर जो आपके लोकसभा का कार्यकाल हमारे संविधान में 5 वर्ष का है, ऐसे मंत्रिपरिषद की जब लोकसभा में अपना विश्वास बनाए रखती है तो वो लोकसभा के साथ साथ में 5 वर्ष तक कार्य कर सकती है। फिर आपके मंत्रियों के वेतन और भत्ते। तो देखो आपके हमारे संविधान में सभी मंत्रियों के वेतन और भत्ते प्रधानमंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, उन मंत्रियों के वेतन और भत्ते निर्धारित किए गए हैं और वेतन और भत्ते निर्धारित करने का कार्य जो है संसद द्वारा किया जाता है। संसद इनके इनको समय समय पर जो आपके भत्ते हैं, इनके वेतन है, भत्ते है, उनका निर्धारण करती है। भत्ते क्या होते हैं? तो भत्ते देखो आपके वेतन तो होता है, मूल कार्य के लिए बदले में जो पैसा मिलता है वेतन होता है। भत्ते क्या होते हैं? आपके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके अनुसार उनके जो आपके खर्चों को बढ़ा दिया जाता है, उनके वेतन में उन्हें खर्चों के अनुसार वृद्धि कर जाती है, जिसको आपके महंगाई बढ़ने पर जो चार्ज बढ़ाया गया, पैसा बढ़ाया गया, उसको महंगाई भत्ता कहते हैं। और आपके अन्य कार्यों के लिए जो आपके जैसे आवास में वृद्धि हुई तो आवास के लिए जो आपके आवास सुविधाओं के लिए भत्ते हैं, तो आपके यातायात सुविधाओं के लिए तो ये भत्ते भी अतिरिक्त दिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो आपके जो महंगाई का आधार बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो महंगाई के आधार पर उनके खर्चों को भी क्या कर देता है, बढ़ाया जाता है। जो खर्चे दिए जाते हैं संसद द्वारा या सरकार द्वारा वो भत्ते कराते हैं। फिर आपकी आती है मंत्रियों की श्रेणियां। तो देखो हमारे संविधान में मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। देखो आपको पहले स्तर पर आपकी कैबिनेट मंत्री है, मंत्री। दूसरे श्रेणी में आते हैं आपके राज्य मंत्री और तीसरी श्रेणी में आते हैं आपके उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? देखो
रखते हैं या अधिकतर अनुभव रखते हैं, ज्यादा अनुभव रखते हैं, और इनको जो है आपके किसी भी बात का स्वतंत्र अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये किसी भी बात के अध्यक्ष होते हैं, जैसे आपके रेल मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, आपके विदेश मंत्री है, आपके रक्षा मंत्री है, आपके गृह मंत्री है, ये मंत्री आपके कैबिनेट मंत्री है। तो इस प्रकार किसी न किसी गृह मंत्री गृह विभाग का अध्यक्ष होता है, रक्षा मंत्री रक्षा विभाग का अध्यक्ष होता है, विदेश मंत्री विदेश विभाग का अध्यक्ष होता है, रेल मंत्री रेल विभाग का अध्यक्ष होता है, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य और सूचना मंत्रालय का जो मंत्री है आपके, वो अपने अपने विभाग का अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार ये अध्यक्ष होते हैं और इन विभागों को संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी इन अध्यक्षों की होती है। इन्हें विभागों के लिए अपने अपने विभाग के संचालन की जो पूर्ण जिम्मेदारी होती है वो अध्यक्ष की होती है, और अध्यक्ष ही जो है उस विभाग के संबंध में सारे कार्य करता है। अध्यक्ष ही उस विभाग की समस्याएं मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है तो उनमें रखता है, और अध्यक्ष ही देख रेख में उस विभाग का संचालन होता है, उस विभाग के कार्य होते हैं। तो इस प्रकार जो किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, स्वतंत्र अध्यक्ष होते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं या कैबिनेट मंत्रियों के समूह में सम्मिलित करते हैं। दूसरे राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री देखो एक सहयोगी के रूप में होते हैं, ये आपके उप विभागों के मंत्री होते हैं, कौन से विभागों के, उप विभागों के मंत्री होते हैं, यानी विभाग के अंदर है विभाग का अध्यक्ष होता ही है, आपके अध्यक्ष मंत्री प्रभारी ये होते हैं। और कभी कभार आपके इनको किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभारी भी बना दिया जाता है, प्रभारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो देखो ये आपके जिस प्रकार की ये विभाग है, विभागों में से कोई मान लो अध्यक्ष जो है हट जाता है तो उसके स्थान पर राज्य मंत्री को भी जो है इसका प्रभार या भाग जो आपके भाग दे दिया जाता है, कार्य दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री जो है किसी विभाग का कभी कभी क्या बन जाता है, स्वतंत्र प्रभारी बन जाता है। वैसे देखा जाए तो राज्य मंत्री की जो श्रेणी है आपकी कैबिनेट मंत्री और उपमंत्री के बीच की श्रेणी आती है, फिर सबसे नीचे की जो मंत्री की श्रेणी है उसको उपमंत्री कहते हैं। उपमंत्री ऊपर वाली दोनों श्रेणियों के मंत्रियों की सहायता कार्य करते हैं, इनके कार्य में ये जो आपके सहायता का कार्य करते हैं, कैबिनेट मंत्री है राज्य मंत्री है इनके कार्य में सहायता कार्य करते हैं। अब देखो जो आपके हमें समाचारों में समाचार पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं कि कैबिनेट जो आपके मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, तो मंत्रिमंडल की बैठक में आपके तीनों श्रेणियों के मंत्री भाग नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री जो भी मंत्री परिषद की बैठक करता है उन्हें प्रमुख रूप से मंत्रिमंडल की ही बैठक होती है, और मंत्रिमंडल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को कहते हैं। ये जो समूह है कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का, कैबिनेट मंत्रियों का समूह है, उसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिमंडल। और शासन का प्रमुख कार्य देखा जाए तो आपके शासन के जो भी कार्य है, मंत्रिमंडल के जो भी कार्य है, अलग अलग आपके मंत्रिमंडल की शक्तियां, तो ये शक्तियां ये कार्य जो भी है आपके वो प्रमुख रूप से मंत्री परिषद यानी संपूर्ण मंत्री नहीं बल्कि मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। मुख्य रूप से इसके सारे कार्य मंत्रिमंडल के या मंत्री परिषद के मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो मंत्रिमंडल कौन से मंत्रियों का समूह कहलाता है, कैबिनेट, यानी प्रथम श्रेणी के जो मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं, और इन्हीं को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है, और सभी मंत्रियों को मिलाकर के मंत्री परिषद कहते हैं। हालांकि हम क्या करते हैं, सुविधा की दृष्टि से मंत्रिमंडल को मंत्री परिषद भी और मंत्रिमंडल भी बोल देते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है उन मंत्रियों के समूह को या उन मंत्रियों को संयुक्त रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। ये आपके मंत्रियों की श्रेणियां हैं आपके, तो यह हो गया आपके मंत्री परिषद का गठन। इसके बाद में आता है कि मंत्री परिषद क्या कार्य करती है, तो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के कार्य में शक्तियां क्या क्या है। तो देखो आपके मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं कार्य, एक ही बात है, कई बार देखा जाता है परीक्षाओं में जो है आपके टेस्ट लेते हैं परीक्षा लेते हैं, तो टेस्ट या परीक्षाओं में बच्चे क्या करते हैं, कार्य अलग और शक्तियां अलग लेते हैं, जबकि दोनों चीज एक ही है। जो हमारे पास में शक्ति दी गई है उस शक्ति के अनुसार हम कार्य करेंगे, और जो कार्य हमारे लिए दिया गया है उस कार्य को करने के लिए हमारे पास में पूर्ण शक्ति है, भाई हाँ ये कार्य मेरे को करना है, मैं स्वतंत्र हूँ इस कार्य को करने के लिए, तो वही शक्ति है। तो हमारे यहाँ पर मंत्रिमंडल की जो कार्य शक्तियाँ है वो संविधान द्वारा मंत्रिमंडल को दी गई
हुई है, ये कार्य सत्या में से लिखा जाए तो राष्ट्रपति की है, लेकिन व्यवहार में कौन करता है, आपके मंत्रिमंडल करता है। तो देखो मंत्रिमंडल की जो सत्या है उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 74 में, कौन से अनुच्छेद 74 में, जो इसमें आपके उपबंध था व्यवस्था की, उसी में जो आपके क्या कहा गया है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श का कार्य करेगी। जो मैंने अभी बताया था आपके यहाँ पर राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सम्मान उसके कार्यों के राष्ट्रपति को उसके कार्यों से के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, यहाँ पर है। और उसी के आगे जो आपके एक उपबंध आगे के उपबंध में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने का कार्य मंत्री परिषद करेगी। तो इसका मतलब मंत्री परिषद जो आपकी सहायता और परामर्श देने का कार्य करेगी। तो ये तो हमारी एक संवैधानिक या जिसको कहें परंपरागत को सही कहें परंपरागत शब्दावली है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो हमारे यहाँ पर मैंने पीछे बताया था कि संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वो एक जो है नाममात्र का शासक होता है, वास्तविक शासन की शक्तियाँ जो है आपके मंत्रिपरिषद में होती है और राष्ट्रपति की जो भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ है उनका व्यवहार में मंत्रिपरिषद ही जो है प्रयोग करती है, मंत्रिपरिषद ही उन शक्तियों का प्रयोग करती है उपयोग करती है। इस कारण मंत्रिपरिषद को भारतीय शासन व्यवस्था का विधेय कहा जाता है, भारतीय शासन व्यवस्था का क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में शासन संचालन करने का संपूर्ण दायित्व मंत्रिपरिषद का है, शासन के प्रत्येक कार्य के लिए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है, इसलिए जो है मंत्रिपरिषद को शासन की भारतीय शासन व्यवस्था का विधेय कहा जाता है। अब देखो मंत्रिमंडल की जो शक्तियां और कार्य है, पहला कार्य क्या आता है, राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, इसका मतलब हो गया कि देश के हित के लिए नीतियां बनाना। तो देखो आपके मंत्रिमंडल का प्रमुख और पहला कार्य होता है राष्ट्रीय हित में नीति निर्माण का कार्य करना, नीति यानी नियम बनाना। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि देश के आंतरिक प्रशासन में देश की शासन व्यवस्था, देश के अंदर की शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए और वैदेशिक दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए किस प्रकार की नीतियां होगी, यानी किस प्रकार की नीति के आधार पर जो है देश का शासन स्थापित किया जाए, शासन संचालित किया जाए देश के अंदर और दूसरे देशों के साथ में जो है संबंध किस नीति के आधार पर बनाए जाए, इसके लिए नीति निर्धारण करने का कार्य जो है मंत्रिमंडल का होता है। दूसरा कार्य आपके कानून निर्माण पर नियंत्रण का है। तो देखो नीति निर्धारण हमारे यहाँ पर संस्थात्मक शासन व्यवस्था है और संस्थात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जो है मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण करने का सीमित नहीं है कि नीति निर्धारण करना ही मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य है। नीति निर्धारण के आगे भी मंत्रिपरिषद के बहुत सारे या मंत्रिमंडल के बहुत सारे कार्य हैं, जिनमें दूसरा आता है आपके कानून निर्माण का कार्य करना या कानून निर्माण पर नियंत्रण करना। तो देखो आपके मंत्रिमंडल कानून निर्माण के प्रत्येक कार्य में क्या करता है, आपके प्रत्येक कार्य का नेतृत्व करता है, प्रत्येक कार्य का जो आपके संचालन करता है। इसके अलावा देखो आपके जो भी नीतियां सरकार द्वारा बनाई जाती है उन नीतियों का निर्धारण जो है आपके सबसे पहले मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है और मंत्रिमंडल उन नीतियों को निर्धारित करने के बाद में उन नीतियों के अनुसार ही कानून निर्माण का कार्य करता है। और ज्यादातर जो विधेयक होते हैं, अधिकतर जो विधेयक होते हैं वो आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा ही संसद में रखे जाते हैं, चाहे संसद के किसी भी सदस्य रखे जाए लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा ही उनको प्रस्तावित किया जाता है। क्यों, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य जो आपके किसी न किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं, वो विभाग से संबंधित होते हैं, वो ही अपने विभाग में क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं का उस दूर करने के लिए कौन सा कानून होना चाहिए, किस प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं है, किस प्रकार की नहीं है, इस बात का निर्धारण उनके द्वारा किया जाता है। तो जिस कानून की आवश्यकता नहीं होती है उसको हटाने का भी प्रस्ताव वो रखते हैं और जिस कानून की आवश्यकता होती है उसको लागू करवाने के लिए उसका निर्माण करना, उस कानून को अपनी देखरेख में जो है सदन में रखवाने का कार्य भी मंत्रियों द्वारा ही किया जाता है। तो मंत्रिमंडल का दूसरा प्रमुख कार्य होता है आपके कानून निर्माण करना। तीसरा है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। तो देखो आपके सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो संघ सरकार की समस्त जो शक्तियां होती है आपके वो राष्ट्रपति में नहीं होती है, संवैधानिक सैद्धांतिक सिद्धांत के आधार पर था संविधान के अनुसार।
अगर हम संविधान के अनुसार बात करें तो शासन की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो मैं पहले बता चुका आपको राष्ट्रपति में नहीं होती है, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अब मंत्रिपरिषद उनका प्रयोग किस प्रकार करती है या इन शक्तियों पर नियंत्रण कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण कैसे रखती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के विभिन्न जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और उन विभागों के संबंध में निर्णय उनके द्वारा लिया जाता है, उन विभागों का संचालन मंत्री द्वारा किया जाता है और इस प्रकार ये मंत्री जो है अपने अपने विभागों के कार्यों की देखभाल करके क्या करते हैं कार्यपालिका शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं, प्रमुख राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। फिर आपके विषय कार्यालय कार्यपालिका जो आपके ये जो मंत्रिमंडल है मंत्रिमंडल जो आपके वित्तीय कार्य भी करता है। मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय कार्य में सबसे पहला जो कार्य होता है आपके वो ये होता है कि मंत्रिमंडल प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में कौन सा वर्ष है ये वर्ष नहीं जनवरी वाला नहीं वित्तीय वर्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में हमारे देश के जो आपके संभावित जो आय व्यय के लिए जो क्या होते हैं जिनको बजट कहते हैं देश के आगामी वर्ष का वित्त वर्ष का आगामी वित्त वर्ष का आय व्यय का जो लेखा जोखा है उसे बजट कहा जाता है और बजट रखवाने का कार्य भी जो आपके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल की देखरेख में वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है और वित्त मंत्री जो है उसे संसद में यानी लोकसभा में रखता है लोकसभा में भी रखता है। इसके अलावा जो आपके मंत्रिमंडल द्वारा ही अन्य जो मांगे होती है जैसे अनुदान मांग है अतिरिक्त मांग है इस प्रकार के जो धन विधेयक होते हैं अतिरिक्त मांगों संबंधी वो धन विधेयक भी जो आपके मंत्रिमंडल द्वारा ही जो है लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं रखे जाते हैं। इसके बाद आपके वैदेशिक संबंधों का संचालन है तो देखो आपके मंत्रिमंडल द्वारा ही वैदेशिक संबंधों का संचालन किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा ही किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा करना है शांति की स्थापना करना या शांति समझौता करना है ये कार्य मंत्रिमंडल ही करता है। इसके अलावा किस देश के साथ में व्यापारिक संबंध स्थापित करने हैं किस देश के साथ में किस प्रकार की नीति अपनानी है किस प्रकार का संबंध अपनाना है इन सब का निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। तो वैदेशिक जो दूसरे देशों के साथ में जो संबंध है भारत के वो संबंध बनाने का कार्य मंत्रिमंडल ही करता है। अब आपके नीति संबंधी कार्य तो देखो हमारे संविधान में संविधान द्वारा राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आपके भारत में भारत से विदेशों में जाने वाले या विदेशों के लिए राजदूतों की राजनायकों की नियुक्ति करता है। लोक सेवा जो संघीय लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है तो इस प्रकार की जो है नियुक्तियाँ है राष्ट्रपति द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर की जाती है लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति ये नियुक्तियाँ जो है मंत्रिमंडल की परामर्श से करता है सलाह से करता है इसलिए व्यवहार में की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ करने का कार्य किसका हो गया मंत्रिमंडल का। जो मंत्रिमंडल जिन व्यक्तियों के बारे में जैसे सलाह देगा वैसे ही राष्ट्रपति क्या करेगा उन व्यक्तियों को उन पदों पर नियुक्त करेगा। तो महत्वपूर्ण जो नियुक्तियाँ होती है ये करने का कार्य भी मंत्रिमंडल का होता है। अब देखो भारत में जो कार्यपालिका होती है इसके पास की जो शक्तियाँ देखते हैं हम तो हमें ऐसा लगता है कि कार्यपालिका के पास में अत्यधिक शक्तियाँ हैं और इस आधार पर कार्यपालिका तानाशाही हो सकती है लेकिन भारतीय कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य जो आपके विपक्ष द्वारा किया जाता है विरोधी दलों द्वारा किया जाता है। जैसे वर्तमान में सत्ता पक्ष दो पक्ष होते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष जो शासन में है जैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा जो है आपके सत्ता पक्ष है और विरोधी पार्टी में आपके कांग्रेस है और उसके सहयोगी दल इसमें भाजपा और उसके सहयोगी दल है और इसमें जो आपके कांग्रेस उसके सहयोगी दल है तो इस प्रकार ये विपक्ष हो गया ये सत्ता पक्ष की भी है जो आपके वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है अपने मंत्री भारतीय जनता पार्टी है। उधर आपके कांग्रेस की जो अध्यक्ष आपके सोनिया गांधी है राहुल गांधी है ये कांग्रेस में विपक्ष के हैं तो कांग्रेस के अन्य सदस्य ये सब जितने भी कांग्रेस के सदस्य लोकसभा में
या राज्यसभा में निर्वाचित हो गए हो करके गए हैं और उनमें बैठते हैं, तो वो जो है आपके विपक्ष में है, वो क्या करते हैं सरकार की नीतियों या इसके बारे में जो भी कार्य सकते हैं उन्हें जो निर्णय लिया गया उनका विरोध करके सरकार को नियंत्रित करने और जो आपके अनुशासित रखने का कार्य जो आपके विपक्ष के द्वारा करता है। और इसके लिए ये जो है आपके विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे आपके प्रश्न पूछ करके, पूर्व प्रश्न है, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और लोकसभा में जो है विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव भी रख करके जो है आपके अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को अपना बल छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये जो आपके जो मैंने साधन बताया, प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न है, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ये सब विपक्ष के साधन है जिनके माध्यम से विपक्ष क्या करता है सरकार पर नियंत्रण रखने का या मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। अब आते हैं आपके प्रश्न है, पिछले जो आपके कालांश था उसमें मैंने प्रधानमंत्री की नियुक्ति और सत्या बताई थी, तो आपके एक प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति सत्या कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा आज का जो लेसन है हमारा उसमें से है कि मंत्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, तो आपको मंत्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया बतानी है कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। आपको ये भी याद रखना है कि परीक्षा में ये जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया पूछे प्रत्येक परिवार आपसे ये पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद के गठन के निम्न चरणों को समझाइए और उसमें दो चरण दे देगा आपको, या तो जैसे दे दिया प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन है, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण करना, ये दो विकल्प दे दिए, या फिर जो आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों का कार्य विभाजन, इस प्रकार कोई भी दो पद दे सकता है आपको और चार नंबर का इसका आंसर प्रश्न दे सकता है। ये आपका आज का जो है कालांश का अपना कार्य था। अगला जो है आपके आएगा न्यायपालिका, और न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है जिसके बारे में हम अगले कालांश में अध्ययन करेंगे।